ऑनलाइन एजुकेशन मतलब हर चीज़ ना आपकी ऑनलाइन होने वाली है, यानी कि आपकी लर्निंग भी इज़ एवरीथिंग गोइंग टू बी ऑनलाइन। अब ऑनलाइन लर्निंग आपकी इफ़ेक्टिव कैसे हो उसके लिए बनाया LMS। अब LMS बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि आखिर LMS होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है और कैसे आपकी लर्निंग इंटरैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव होती है। तो इसी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी व्हाट इज़ LMS, इसका क्या काम है, इसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और किस किस तरीके के LMS होते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको अच्छी लगे और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी ही बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे मिलती रहेंगी एजुकेशन से रिलेटेड। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज LMS। LMS इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर थ्रू विच यू कैन गेट इफेक्टिव एंड इंटरैक्टिव लर्निंग। और अब हम बात करें व्हाट डज LMS मीन इन ऑनलाइन लर्निंग। सो यहाँ पे ना आपकी पूरी जो लर्निंग होती है वो पूरी मैनेज होती है और ऑनलाइन लर्निंग के लिए LMS का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी लर्निंग अच्छी हो सकती है और आप तक सब चीज़ें सारी की सारी फैसिलिटीज सारी एजुकेशन रिलेटेड टू योर कोर्स पहुँच सकती है। अब इसके बाद हमारा एक सवाल आता है हु ऑल यूजेस LMS। LMS कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। तो कुछ बिजनेस हैं जहाँ पे LMS यूज़ होता है, कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे LMS यूज़ होता है, स्कूल्स में होता है, कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है, ऑनलाइन एंड ई लर्निंग कोर्सेज में होता है। बट आज की इस वीडियो में हम केवल यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस इन सब की बात करने वाले हैं कि वहां पे आपका LMS कैसा होता है। अब बात आती है व्हाट ऑल आर द फैसिलिटीज कंसिस्ट इन LMS, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपको क्या क्या मिलता है। इसमें बेसिकली आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको लॉगिन आईडी, स्टूडेंट लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है, जिसमें आपका पूरा एक LMS पोर्टल होता है जिसमें आपको मिलते हैं लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, आपको डिजिटल लाइब्रेरी मिलती है, ई बुक्स मिलती हैं और आपकी जो इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी क्लासेस होती हैं आपकी, आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं, उसमें असाइनमेंट्स भी आप हैंडल कर सकते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कब आपकी एग्जामिनेशन है, कब आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, कब आपकी कौन सी क्लास है। और इन सब के साथ आपके वेबिनार्स वगैरह भी जो होते हैं वो भी आपके LMS के थ्रू ही होते हैं। सो मतलब अगर आपको कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिलता है जो आपको वेबिनार देता है तो वहाँ का भी आपको सारी जो वीडियोस वगैरह होती हैं वो आपको आपके LMS पे ही मिलती है। सो एज वी सी ऑल द स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आर नाउ प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन एंड फॉर दैट LMS इज़ द फोर मोस्ट थिंग, क्योंकि उसके अलावा ना आपको सारी फैसिलिटीज़ उस सॉफ्टवेयर में ही आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स वगैरह के लिए भी काफ़ी इजी हो जाता है कि वो एक पोर्टल के थ्रू आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर सकें जिससे कि आपकी जो लर्निंग है वो इंटरैक्टिव भी हो और इफ़ेक्टिव भी हो। तो आपको एकदम लाइव लाइक लेक्चर्स ऐसा एकदम फील आना चाहिए, आपको लगना नहीं चाहिए कि आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे हो। LMS को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेकर आई हूँ। मेरे पास मणिपाल यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का LMS है जिससे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि आखिर LMS होता कैसा है और आपको सारी चीज़ें कैसे प्रोवाइड होती हैं। अब मेरे पास एक यूनिवर्सिटी का है, हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट फैसिलिटीज़ लगभग आपको सेम ही मिलेंगी। तो अब उसको एक बार देखते हैं और उसके थ्रू मैं आपको थोड़ा और अच्छे से LMS के बारे में समझा दे। सो ये रहा आपका स्टूडेंट लॉगिन आईडी, ये मेरे पास है LMS मणिपाल यूनिवर्सिटी का और इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि आखिर LMS कैसा होता है। तो अब मैं यहाँ से लॉगिन करती हूँ, आपको यहाँ से लॉगिन करना है, पासवर्ड वगैरह आपको फिल करना है एंड फिर साइन इन करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए आपका पूरा लॉगिन हो गया, ये पूरा आपका ना LMS का डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
अनाउंसमेंट है, कैलेंडर है, हेल्प डेस्क है, ई लाइब्रेरी है, रेफर एंड अर्न है, ये आपका पूरा लॉगिन आईडी होता है। यहाँ पे आपको पूरा कोर्सेस मिल जाएंगे। ये देखिए आपके कोर्सेस से रिलेटेड आपको सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे, कि वीडियोस, लेक्चर्स, सब कुछ यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे, ये साइड में आप देख रहे हैं ना कैलेंडर, यहाँ पे आपका पूरा अपडेट्स दी हुई है, आपके अपकमिंग इवेंट्स के बारे में यहाँ बताया हुआ है, गेस्ट लेक्चर होंगे आपके, कितने बजे होंगे, ये सब चीजें यहाँ पे आपको कैलेंडर में दिख जाएंगी। अनाउंसमेंट में भी यहाँ पे आप देखिए आपको पूरा अनाउंसमेंट मिल जाएगी, और इसके साथ आपको पूरा ना यहाँ पे एक पूरा अकेडमिक कैलेंडर मिल जाता है, जिसमें आपको पूरा अकेडमिक में आपका क्या क्या पूरी टाइमलाइन, इवेंट्स, सब चीज़ें यहाँ पे आपको पूरी रिटन इन्फॉर्मेशन में यहाँ दिख जाएंगे। अगर आपका कोई मैसेज आएगा तो उसके मैसेज अलर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे आपको अपडेट आती रहती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स में नहीं होता, यहाँ पे एक रेड बटन आ जाएगा, आपके पास कितनी नोटिफिकेशंस है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। अब ऐसा करते हैं किसी एक कोर्स का खोल के देख लेते हैं। सो मैंने खोला इंट्रोडक्टरी मटेरियल, जिसमें आपको बेसिक इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स, हाउ टू राइट असाइनमेंट्स, ये सारा इंट्रोडक्टरी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। और आप जैसे जैसे अपना कोर्स करते जाएंगे ना, जैसे कि यहाँ इस स्टूडेंट ने पूरा अपना जो बेसिक इंग्लिश विद सॉफ्ट स्किल्स का पूरा 100% कोर्स कर लिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि आपने इस कोर्स को कितना परसेंट अब तक कर लिया है। ये देखिए हाउ टू राइट असाइनमेंट, ये भी 100% हो चुका है। बेसिक मैथ्स फॉर आईटी, ये भी 100% हो चुका है। यहाँ पे कैलेंडर भी है। अब बैक जाते हैं, हम प्रोग्रामिंग इन सी प्रैक्टिकल देखते हैं। पर ये एक्चुअली पूरा एमसीए का जो, इसे एक बार ओपन करके देखते हैं। इंटरनल असाइनमेंट लर्नर गाइडलाइन, देखिए इससे रिलेटेड ना आपको पूरा जो इंट्रक्शन ऑफ, ये आपको पूरा ना यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाया हुआ है, आपको स्टेप्स वगैरह हर चीज, मतलब एक तरीके से ये मुझे सैंपल पेपर लग रहा है, एक तरह से आपको सारे स्टेप्स बताए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको कॉन्टेंट पे जा सकते हैं, आप टेस्ट असाइनमेंट्स पे जा सकते हैं, कम्युनिकेशन पे, कौन कौन सी कम्युनिकेशन, ये वही सारे आपको यहाँ पे देखिए आपके पास ई लाइब्रेरी का भी ऑप्शन है। और अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी EDX से, कोर्सेरा से, या किसी भी एक ऑनलाइन पोर्टल से साथ में आपको कोर्सेज करवाती है, तो वो भी आपको आपके जो LMS का जो आपका पोर्टल होता है पूरा डैशबोर्ड, वहीं पे मिल जाते हैं, तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पे मिल जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है वो आपको कोर्सेरा के कोर्सेज करवाती है, साथ में फ्री कोर्सेरा के आपको एक्सेस मिल जाता है। हम इसको ओपन करके देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग PC एंड ट्रबल शूटिंग, यहाँ पे इससे रिलेटेड सभी कोर्सेस। अभी इसने ना यूनिट 1 का 11% ही कंप्लीट करा है। सो देखिए यहाँ पे आपको इनसे आपके सभी लेक्चर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाती हैं, ये आप वीडियो चला के देख सकते हैं। ये एक एनिमेटेड वीडियो है, बट इसके अलावा आपको वैसी वीडियोस भी मिल जाती हैं जहाँ पे आपको सीधे लेक्चर्स मिलते हैं। ये देखिए आप वीडियो चला के देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग PC एंड ट्रबल शूटिंग पे। यहाँ पे ये देखिए आपको सीधा कुंतल गौर असिस्टेंट प्रोफेसर के थ्रू आपको पूरे लेक्चर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, साथ ही साथ ये सभी चीज़ें आपको समझाते भी जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ योर LMS लुक्स लाइक, यानी कि आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो लगभग इसी तरीके का होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, बट आपको जो सर्विसेज मिलेंगी और जो भी सारे ऑप्शंस होंगे वो कुछ कुछ इसी तरीके से होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा एक अच्छे से आइडिया दे दिया कि आखिर LMS होता क्या है, यानी कि आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। और हाँ, चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियोस लेकर आती रहूँगी।